सबसे पहले बात बहुचर्चित रुपेश हत्याकांड की। बिहार के बहुचर्चित रुपेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऋतुराज को पटना पुलिस ने 3 दिनों की रिमांड पर लेने वाली है। सोमवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायालय ने राजधानी की पुलिस को ऋतुराज के रिमांड की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 12 फरवरी को पुलिस ने कोर्ट में आरोपी को 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन के रिमांड की मंजूरी दी है। पटना पुलिस का दावा है कि उसके पास ऋतुराज के खिलाफ ठोस साक्ष्य हैं। आपको बता दें कि पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने ऋतुराज की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया था कि रोडरेज के विवाद को लेकर ऋतुराज ने ही रुपेश की हत्या की। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए ऋतुराज ने अपने 3 अन्य सहयोगियों का भी सहारा लिया, जो कि अब तक पटना पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, आज कोर्ट से सुनवाई हुई है, उसमें ऋतुराज को रिमांड पर लेने वाली है पटना पुलिस, क्या कुछ और अपडेट है इस मामले में? जी हाँ रितामरा, आज पटना पुलिस ने आज ऋतुराज को 3 दिनों के रिमांड पर कस्टडी में अपने तरफ ले लिया है। आपको बता दें कि जो आज सोमवार को पटना के सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद पटना पुलिस ने ऋतुराज को 5 दिनों के लिए रिमांड पर मांगा था, पर सिविल कोर्ट ने सिर्फ 3 दिनों के लिए उसको रिमांड पर भेजा है। और पटना पुलिस ने आरोपी ऋतुराज को, बहुत चर्चित जो हत्याकांड हुआ है उसमें जो आरोपी है ऋतुराज, उनको आज रिमांड पे ली। ऋतु जी, उत्कर्ष, अभी भी उसमें 3 आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, क्या कुछ कहना है इस पे एसएसबी का या पटना पुलिस का, कब तक वो गिरफ्तार हो पाएंगे? जी हाँ, पटना पुलिस ने तो अपने तरफ से काफी कोशिश की है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह कहा है और साथ साथ जब उन्होंने प्रेस से बातें की है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो 3 और आरोपी हैं उनको पुलिस लगातार कोशिश कर रही है पकड़ने का। हालांकि वो अभी इनके शिकंजे से बाहर है, पर आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही ऋतुराज के साथ जो 3 और आरोपी हैं उनको पटना पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। रितामरा जी, उत्कर्ष, इस पर परिवार ने नकार दिया था इस मामले को, जो भी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया इस पर परिवार बिल्कुल भी सहमत नहीं था, अब परिवार का क्या कहना है? वो सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे, क्या कुछ अपडेट है परिवार वालों का इस पर? यहाँ परिवार पहले भी इस चीजों को सिरे से नकार रही थी और आज भी वह इसी बातों पे अमल है। परिवार और उनकी जो वाइफ है ऋतुराज की, रुपेश हत्याकांड में रुपेश की जो वाइफ है, वो पहले भी कह चुकी है कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं एक आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है और आज भी उनका यही कहना है, जिसको लेकर वह सीएम से मुलाकात भी की थी और सीबीआई जांच की भी बात उन्होंने की थी। तो जो सीबीआई जांच की उन्होंने बात की थी, क्या उस पर सीबीआई जांच की मंजूरी मिल पाई है? जी नहीं, फिलहाल तो अभी प्रशासन या जो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं मिला है कि सीबीआई की जांच होगी, पर बिहार पुलिस ने अपने तरफ से साफ कर दिया है कि यह रोड रेस का मामला है और इसे पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड को सॉल्व कर लिया है और जो आरोपी हैं उनका जो धरपकड़ है वो भी किया जा रहा है। हालांकि एक आरोपी जो है ऋतुराज, उनको पटना पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सब कुछ बताया भी। हालांकि जो सीबीआई जांच की बात हो रही है वो सिर्फ एक बातों पे और सिर्फ चिट्ठियों पे है, ऐसा इस पे कोई सामने, चाहे वो प्रशासन हो या बिहार के जो सूबे का जो शासन चल रहा है, जो एनडीए की सरकार है, उसके तरफ से भी कोई ऐसा बात सामने नहीं आया है कि रोड रेज मामला या फिर आप जो कह सकते हैं कि हत्याकांड में सीबीआई की जांच हो। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया उत्कर्ष। तो ऋतुराज को पुलिस ने 3 दिनों के लिए अपने रिमांड पर ले लिया है। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।